जी दोस्तों, आपसे मौजवाना गुजारिश है एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, की हाल है? अल्लाह शुक्र, तुसी सुनाओ कैसी तुबी? जी अल्लाह दा शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, आज ताडे कोल एक सवाल छोटा जा करना है। एक कबूतर मेरे को 8 बजे रात नु बैठ रहा है, बड़े वजूद दा, वड्डी हड्डी दा, ठीक है ना, बड़े वजूद दा, मतलब सही माशाल्लाह जिन्हों कहा जाता पूरा बड़े वजूद दा कबूतर है। 8 बजे रात नु बैठ रहा, ठीक है ना, मैं उसको किस तरह की माजी लावा ताकि कबूतर अपनी परवाज नु बरकरार रखे? देखो भाई ना, सब तो पहले जिहड़े कहना परवाज ते पर दे जी, ठीक है ना, सही। हुण मिसाल दे तौर ते अगर तुसी मोटी तीली वाला कबूतर देखते हो, मोटी तीली वाला कबूतर होगा तेज बाज़ दा, सही। लेकिन मेरी समझ है कहंदी है कि अगर एक कबूतर शाम तक उड़ता है तो एक तो उहदे च इह खूबी होएगी कि उहदी तीली बरीक होएगी और पर जिहड़ा है ना बिल्कुल उहदा पेपर टैप होएगा, सही, ठीक है। हुण तुहाडे को मादी जिहड़ी है ना तुसी देखदे हो कि छोटे कुंदे दी है, अगर कबूतर वड्डे कुंदे दा है तो वह काम करेगा इंशाअल्लाह ताला, अपनी क्वालिटी नूं बरकरार रखेगा, मतलब कि परवाज यही देगा, परवाज यही देगा। लेकिन यह है कि मादी का कबूतर का कुंदा तकरीबन जिहड़ा ना सेम होना चाहिए। अगर फर्ज किया कि तुहाडे कोल कबूतर बरीक तीली दा है ते अगर थोड़ी जी यानी हार्ड तीली, हार्ड तो मतलब नहीं हार्ड यानी थोड़ी जी मोटी तीली वाली भी मादी जी है ना वह भी चल जाएगी, अगर कुंदा का छोटा भी होया मादी का। लेकिन अगर कबूतर का कुंदा वड्डा होगा तो छोटे कुंदे की मादी भी चल जाएगी, लेकिन मादी की क्वालिटी होनी चाहिए कि वह पर जड़े ना वो हार्डनेस नहीं होनी चाहिए यानी सख्ती नहीं होनी चाहिए, पर खुश्क नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद है अल्लाह के कारज कि वो जोड़ा जिहड़ा है ना अपनी क्वालिटी नूं बरकरार रखेगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, तुसीं बहुत अच्छी गल शेयर कीती। दोस्तों आपने भी इसमें फीडबैक देना है, आपने अपनी राय भी शेयर करनी है कि उस मेल के साथ किस तरह की मादी लगे ताकि वो कबूतर अपनी परवाज को बरकरार रखे, ये ना हो कि कबूतर इस तरह लगाए वो अपनी परवाज तोड़ दे या अपनी परवाज ज़्यादा कर दे, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि उसी परवाज में वो अपनी परवाज को बरकरार रखे और उसके साथ फीमेल कैसे वो सेम या तो सेम बिल्कुल सेम कुंदे की मादी लगी होए कोई लेंथ दी, अगर मादी कबूतर लंबे कुंदे का है और मतलब चौड़े पर है, सब तो पहले तो देखना चाहिए कश्ती हड्डी मादी की भी उस पासों पूरे मादी की भी सेम होनी चाहिए। हाँ, मादी की भी जी है ना कश्ती हड्डी जी ना कश्ती हड्डी वाले जो ना परवाज अपनी बरकरार रखते हैं, सही। तो दूसरी चीज है ये कि अगर कबूतर के कुंदे नालों मादी का कुंदा थोड़ा जा छोटा भी हो जाए तो इंशाल्लाह ताला अपनी परवाज के कमी नहीं पाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुम खुश रखे। उस्ताद जी, जो गले का जहर बाद हो जाता है, आज आपसे ये सवाल है, गले का जहर बाद, कोट का जहर बाद, ठीक है ना, अक्सर अमूमन कबूतरों में ये बीमारी पाई जाती है, तो उसके लिए आप कौन सी चीज ज्यादा रखते हैं? अच्छा, ए ना अमजद भाई ने पता की गुजारिश है ये कि इस तो पहले भी ना एक बार ए नुक्ता शेयर किया था। हाँ जी, ते एक्सले तो ना एक दोस्त का तुम्हें शायद याद होया कि तुहाडा शुक्रिया था, उन्हें तुम फोन भी किया कि जी मेरे कबूतरों को गले का जहर बाद होया सी, कोट का जहर बाद, तो मैंने उन्होंने फोन किया कि उस्ताद जी जिहड़ा ना तुसीं सानू इहदे बारे च कोई नुस्खा दसो जी, तो साडे कबूतर जिहड़े ना दाणा नहीं खाते बिल्कुल कट्ठे होकर बह जाते हैं, उन्होंने गले के बीच जहर बाद आ गया जी। तो मैं उन्होंने कहा, मैं यार गल है ये कि 7-8 असीं डॉक्टर तो है नहीं, एक मतलब ए तहकीक ही है, मतलब जिस तू जू होंगी कि यार अच्छी तो अच्छी चीज़ बने दोस्तों ना शेयर करिए ते ओ जड़े ना मतलब काम करे, तो वह जड़ा सी ना नुस्खा तकरीबन 6-7 गोलियां का नुस्खा हैगा सी, ते ओ नुस्खा मैं उन्होंने शेयर किया सी जिहदे च तुहानू याद होगा कि उन्हें तुहाडा शुक्रिया दा फोन भी किया, वो इस तरह है भाई मैं अज इहदी वीडियो बना के मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल, क्योंकि 6-7 गोलियां ही ने नहीं भी जेन च रहिंदियां जी, तो मैं तुहानू मुकम्मल वीडियो जिहड़ी है ना उहदी यानी तरीका भी उहदा और मुकम्मल जिहड़ियां गोलियां ने, मैनू उम्मीद है अल्लाह के कारज कि जिहड़ा दोस्त भी इस्तेमाल करेगा ना तो उहदे गले दे जहर बाद दे कबूतर ना या पोट दे जहर बाद दे नाल ना वह कबूतर उहदा एक्सपायर नहीं होएगा, इंशाअल्लाह ताला शाम नूं पाएगा, सवेरे कबूतर दाणे मगर दौड़ेगा।
अच्छा सर जी, आपसे जो सवाल है एक ये है कि जो मादियाँ अक्सर अंडे देती हैं वो पीछा निकाल लेती हैं, हाँ जी, उसका क्या इलाज है? देखो भैन, ओदा ते बड़ा आसान जिहा हल है, मनका ले लो, मनके दे विचों बीज कढ लो जी, ओदी फटकड़ी नू खिल करके जी, फटकड़ी नू खिल करके उन्हां दोवां नू यक जान करके उन्हां दी ऐ जिहड़ी हुंदी ना अपना चना, हाँ जी, ओदे बराबर गोली करके एक सुबह ते एक शाम देण, इंशाल्लाह ताला दो तीन दिनां दे विचों अपना पीछा सही कर जाएगा, सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो सही है सर जी, बहुत शुक्रिया, तुसीं बहुत अच्छा इलाज शेयर किया दोस्तों के नाल। एक चीज़ होर दस दो, से जो सवाल है ना वो ये है कि कबूतर के सौकड़े का क्या इलाज है? गर्मी में जो सौकड़ा हो जाता है उसका क्या इलाज है? एक सर्दी में कबूतर का सौकड़ा हो जाता है उसका क्या इलाज है? जरा गर्मी च होंगे ना खासकर सौकड़ा, ये पानी की कमी की वजह से होंगे जी, ठीक है। एक तो कबूतर जोड़ा ना यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी उन्होंने अगे पिया होना चाहिए। दूसरी गल है कि अगर गर्मियों के सौकड़ा है ना तो वह बेहतरीन हल जोड़ा है ना वो इमली आलू बुखारे का है, तुम पतला जहा शरबत बना के उन्होंने दो तो उन्होंने जी जिगर की मेदे की गर्मी है ना वो खत्म होएगी, तो सौकड़े का यानी सौकड़े तो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह गर्मी के। चीज़ है ये कि नाल देखो जिस बंदे ने जी चीज़ अजमाई होंगी है ना भैन उत्ते ज्यादा जोर दिंदा है। मेरा ख्याल कम अज कम तो 5 से 6 वीडियो के ना मैं नौवीं डेट जी गोली है मैं दोस्तों को कहना कि सर्दियाँ गर्मियों के बीच इस्तेमाल कराओ, सर्दियाँ गर्मियों के बीच जो तुम इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह ताला सोके दे विचों कबूतर जरा ना वो निकल जाएगा। जी नौवीं डेट गोली है ना भैन मैं उन्होंने खुद अजमाया है, अजमाया और यानी कामयाब पाया तो ये जोड़ा है ना सर्दियों के कबूतर पानी घट पीता तुम्हें पता है। अगर कोई भी आदमी शाम यानी बच्चे अगर निकले ने तो बच्चों नू थोड़ा जा कोसा पानी करके 5 cc दे, मैं तो हमेशा तो यह किया है कि रात को तुम अगर देखो ना कबूतर की पोट तो पोट के दाना होएगा, सर्दियों के गल कर रहे हैं लेकिन वो ने पानी घट पीता होंगे, मैं तकरीबन 5 cc जड़ा ना यानी जे जोड़े कबूतर है और अक्सर यह शिकायत भी जोड़े ने कबूतर ठीक है, तुम उन्होंने 5-7 cc कबूतर जो जोड़े ने मतलब मखसूस होंगे ने उन्होंने तुम पानी दो इंशाल्लाह ताला सर्दियों के भी सौके कबूतर आता ही नहीं सौकड़े कबूतर क्योंकि कबूतर सर्दियों के भी दाना रज के खाता है सही। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा मैं बार बार ऐसे इस वास्ते कहना कि वो एक कामयाब इलाज है अजमाया है, नौवीं डेढ़ गोली के 4 हिस्से कर लो उन्होंने सुबह शाम दो एको गोली के नाल इंशाल्लाह ताला गर्मियां सर्दियों का सौकड़ा खत्म हो जाता है, सौकड़ा खत्म हो जाए इंशाल्लाह। तो सर जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा उसका शेयर किया, बेलौस खिदमत करते हैं स्थान की, सर आपका बहुत शुक्रिया। नंबर मेरा जो है ना दोस्तों ने कई ने मंगया 0322-41-64-44-8 तो पहले तो मिलता नहीं हूँ मिल जाता हूँ मैं भी ट्राई करा तो मिल जाता है। पता की है लेवल में हटा दो हूँ तो मैं मतलब बैग भी फोन कर लेना अगर किसी का अटेंड ना करा। अच्छा सर जी एक चीज और दसो, जो छतरी वाले कबूतर ने इन्होंने गेम का हिस्सा मानना चाहिए कि नहीं? लाहौर के बीच ही बैन है, किस वजह तो बैन है सर? पता की है बस लोगों ने अपनी यानी उन्होंने देख क्वालिटियां देखिया मतलब उठे हिस्सा बनना चाहिए गेम का। मेरी नज़र न देखो कई शहरों ऐसा है कि एक तो दो कबूतर पाने की इजाजत नहीं है, तो लाहौर भी होनी चाहिए कोई ऐसी गल नहीं, आखिर है तो वह भी जानवर ने ना कि उन्होंने बरूद भड़ के हौसला अफजाई होनी चाहिए होनी चाहिए। देखो ना कई ने हूँ क्रॉस भी पाए ने, जे क्रॉस पाए ने उड़ते ने मतलब उन्होंने पा लेंगे ने बाजिया के बीच, तो फिर इन्हों का की कि ऐसा कोई पहाड़ डिग पे कि भी जो उन्होंने आपकी कंट्री में भी शौक तो फीडबैक जरूर दीजिएगा छतरी वाले कबूतरों का, ये अगर आपकी कंट्री में होता है तो इसका क्या तरीका कार है, कैसे ये उड़ाते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, ये सब शेयर कीजिएगा दोस्तों। हाँ बहुत शुक्रिया सर जी आपका, कोई गल नहीं, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।